गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 6:30 और मैं हूँ अभी आगरा ताजमहल जा रहा हूँ सुबह सुबह देखने के लिए। एक था दोस्त मेरा जो जर्मनी से था, तो उसने कहा था कि ताज देखना है तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, सुबह 6 बजे जो सनराइज़ होता है उसके आधे घंटे पहले खुल जाता है तो आप तब जाइए। और दूसरी चीज़ वो कहा था कि सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें ताज पे पड़ती है तो वो सीन देखने लायक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। दूसरी चीज़ कि सुबह इतनी पब्लिक नहीं होती है। कुछ अच्छा आ रहा है, फतेहपुर मस्जिद। दूसरी बढ़िया बात ये हुई है कि मेरी होटल जो मैंने रखी है गो आई बी वो से मैंने की हुई थी, ताज से 100 मीटर ही दूर है, उसकी छत पे चढ़ो तो ताज दिखता है। तो बहुत ही सुबह सुबह जल्दी उठ गया, कल नहाया नहीं था, आज एकदम मस्त गर्म पानी से आधा घंटा नहाया और उठ गया। और अभी मैं निकल रहा हूँ ताज के लिए टिकट विकेट लेके, क्या है प्राइस अभी 2021 में सब मिला के आपको मैं कहाँ भाई, इधर ही है ताज यार, ये कुछ और ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। सब टिकट विकेट लेके आपको मैं अंदर वीडियो चालू करता हूँ फिर से। यहाँ सब रिजर्व फोर्स रखी हुई है, ये भी डिलीट मरवा दे उसकी वजह से। अपने चलते हैं पहले ताज को। तो सुबह सुबह एक स्कैम देखने को मिला, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कभी भी ताज पे आइए तो ऑनलाइन टिकट करवानी पड़ती है, यहाँ से टिकट नहीं मिलती है। यहाँ उन्होंने बाहर एक स्टेनलेस स्टील कह सकते हैं SS की प्लेट पे बारकोड लगाया गया है, वो बारकोड को स्कैन करिए आप, तब आपका वो आ जाएगा गूगल पे और आप टिकट बुक कर सकते हैं। भाई स्टील के ऊपर कौन बारकोड रखता है, 50 लोग सुबह सुबह खड़े थे स्कैन कर रहे थे, स्कैन ही नहीं हो रहा था किसी का, किसी को आता ही नहीं थे। और वहाँ बाहर ऐसे ही कई सारे इधर के लोकल लोग खड़े थे, आपको टिकट उनके फ़ोन से कर देते थे और उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है वो भी मिले हुए इनसे, कि इतना टफ रखा हुआ है इतनी एक छोटी सी चीज़ को, कि कोई आम इंसान आएगा तो उसको जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, ऑनलाइन पेमेंट उसको नहीं आता होगा तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो एक ये सुबह सुबह माइनस पॉइंट था। दूसरी बात, ताज मेरे पीछे ही है, वहाँ से ये पीछे दिख रहा है, हाँ, और ये मेन गेट है। दूसरी बात, जो वहाँ खड़े थे वो लोग 45 रुपीज़ है ये टिकट का, एक नॉर्मल टिकट का, वो लोग 300-300 रुपये ले रहे थे एक टिकट का। तो कोई ये लुटने, मतलब यूपी में आओगे तो इंसान और बंदर दोनों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। आपने ऐसे कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी रख दी, बंदर कब उठा के लेके जाएगा, यहाँ आगरा में, मथुरा में, जहाँ तक जाओगे यूपी में पता नहीं रहेगा आपको। तीसरी बात, और मैं आ गए ताज के लिए, उसके दीदार करेंगे हम अच्छी तरह से। अब लुत्फ़ उठाना है ताज का, ताज की कभी चाय नहीं पिए, खुद ताज को देखेंगे, आज अपनी आंखों से पिएगा उसको, क्या बात है। बताए भाई कितना होता है यार, भाई मैं गलत था, सुबह पब्लिक देखो यार,
अब यार इससे ज़्यादा कितने बजे उठे हैं? हर एक इंडियन की तमन्ना होती है कि वो एक बार ताज देखे। मैं जब से छोटा था तब से एक अरमान था। हमारे बाजू के घर में एक इंसान गया हुआ था बहुत टाइम पहले, एक अंकल थे वो ताज गए थे और उनकी फ़ोटो भी। तब से मैंने भी ऐसे सोच लिया था कि बड़ा होगा, तब हमारी फिनांशियल कंडीशन थोड़ी ऐसी थी, तो मैंने तब सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा कमाऊंगा तो ज़रूर ताज के दीदार एक बार ज़रूर ही करूँगा। आज वो दिन मेरे सामने आप देख सकते हैं। वाओ व्हाट अ ताज मैन। तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पहले अंदर, फोटोग्राफी फिर करूँगा मैं। पर पीछे से जो ये सूरज आ रहा है और आगे ताज ताज का जो गुंबज कहते हैं यार, हाँ वही कहते हैं, उसके ऊपर वो किरणें पड़नी शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा येलोइश दिख रहा है, जैसे ऑरेंज दिख रहा है ताज, वो साइन मारेगा भाई और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सुबह ये कल का दिन तो मेरा बहुत ही ख़राब निकला था, खाली एक ही चीज़ अच्छी देखी, वो था भोपाल वाला रेलवे स्टेशन। मैं देख नहीं पाया वो भी क्या, हाँ ग्वालियर फोर्ट, 5 बजे वो भी बंद हो गया था। फिर मैं थक गया था, फिर आके आगरा आया, 2 घंटे 3 घंटे लगे बस में, बस बहुत ही घटिया थी इधर की, तो उसमें थक गया मैं और आके सो ही गया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज रात की ट्रेन है मेरी दिल्ली के लिए 10 बजे, दिल्ली से जम्मू के लिए, तो यहाँ से मुझे ताज देख के जाना पड़ेगा वहाँ पे का मथुरा, और मथुरा देख के फिर उसके बाद मैं जाऊँगा दिल्ली। तो पहले अब बातें करेंगे ताज की, ताज दिखाऊँगा। यार कोई है नहीं फ़ोटो मेरी लेने वाला, इधर ले गए किसी को बोलूँगा, पर जो गाली देके खिंचवा सकते हैं ना कि भाई ये नहीं ये कर, वो नहीं कर पाऊँगा मैं। कोई नहीं, और पास आ गए ताज के। पहले घर पे फ़ोन करता हूँ, घर वालों को दिखाता हूँ ताज, कि कितना ब्यूटीफुल है ताज। सुबह सुबह उनकी भी सुबह अच्छी रहे।